हाय फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग माय चैनल दीपिका शॉपिंग लवर। वेलकम टू माय वीडियो। आज आप लोग के साथ जो वीडियो मैं शेयर करने वाली हूँ उसमें मैं आपको बताऊंगी कि कॉन्टैक्ट लेंसेज किस तरह से वियर करने चाहिए, किस तरह से रिमूव करने चाहिए। मैंने खुद भी फर्स्ट टाइम कॉन्टैक्ट लेंसेज वियर किए हुए हैं, जैसा कि आप देख सकते हो मेरी आईज में, लुक एट दैट। तो आजकल काफ़ी ट्रेंड में है, हर लड़की कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज़ कर रही है। कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज़ करना बहुत ही ईजी है, जो कि आगे आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। और एक आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आता है, भाई कौन लड़की सुंदर नहीं लगना चाहती, हर लड़की ब्यूटीफुल दिखना चाहती है। तो कॉन्टैक्ट लेंसेज आपकी खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं, जिससे कि आपकी आईज़ बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है। जैसे कि आप देख सकते हो अभी मेरी आईज़ कितनी प्यारी लग रही हैं, वैसे मेरी डार्क ब्लैक आईज़ हैं, बट अब देख सकते हो कितना प्यारा सा मेरा आईज का लुक आ रहा है। और फ्रेंड्स, मैं आपको लास्ट में दूंगी कुछ टिप्स जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। ये वीडियो आपके लिए रहेगी हेल्पफुल, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अब चलिए, नाउ विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये है ऑप्टिफाई स्टार्टर किट। कुछ लेंसेज इस तरीके से ऐसे कार्डबोर्ड पैकेट में आते हैं, और जो इनका कंटेनर है कुछ इस तरीके के प्लास्टिक के कंटेनर में ये रिसीव होते हैं। इस तरीके के दो पेयर मुझे रिसीव हुए हैं इस पैकेट में, तो जैसा कि आप देख सकते हो। और इस पैकेट के अंदर लेंसेज रखे हुए हैं और उसके अंदर सॉल्यूशन भी डाला हुआ है इन लोगों ने। और इस तरीके का एक आपको सॉल्यूशन की बॉटल मिल जाती है स्मॉल साइज़, और एक आपको मिलता है इसमें कंटेनर मिल जाता है, जिसमें कि आप अपने लेंसेज ओपन करके सिक्योर करके रख सकते हो इस तरीके से। तो चलिए अब देख लेते हैं कि किस तरीके से आपको वेयर करना है। तो सबसे पहले आपको अपने हैंड को क्लीन करना है, उसके बाद आपको लेंसेज वियर करने हैं। मैंने अभी अभी जस्ट इसको ओपन करके इसमें कंटेनर में रखा हुआ है। तो आपको इस तरीके से अपने फिंगर की टिप पे लेना है लेंस को, और एक फिंगर से अपने इस तरीके से आपको अपनी आई स्ट्रेच करनी है, और इस लेंस को इस तरीके से आपको अप्लाई कर लेना है। गाइज, अगर इधर उधर थोड़ा सा होता भी है तो ये खुद ही सेट हो जाता है, तो इस तरीके से आपको अप्लाई करना है। तो जब मैंने अप्लाई किया तो मुझे थोड़ी सी इरिटेशन हो रही थी, और वो होती भी है, थोड़ी बहुत इरिटेशन होती है, आपकी आई से पानी भी आता है, लेकिन ये एक नॉर्मल बात है, तो थोड़ी सी इचिंग होती है। अब मैं दूसरा लेंस अप्लाई करूँगी इस तरीके से। अब देख सकते हो बहुत ही इजी है, लगता है कि बहुत टफ होगा बट ऐसा नहीं है, बहुत ही ईजी है इसको अप्लाई करना, और बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आपको ज़्यादा इरिटेशन हो रही है तो आपको तुरंत लेंसेज निकाल देने हैं। तो इस तरीके से मतलब 5 to 10 मिनट्स आपको इरिटेशन होगी, पानी भी आएगा आईज़ में, तो इसीलिए आई मेकअप बाद में करना है आपको, पहले नहीं करना है। तो आप देख सकते हो आप कितना लुक एकदम से चेंज हो गया, मेरी डार्क ब्लैक है आईज़ देखिए, तो मैं तो बहुत ही हैप्पी हूँ इनको वियर करके। अब मैं आपको बता देती हूँ कि इनको रिमूव कैसे करना है। तो आपको इस तरीके से बस फिंगर से इस तरीके से बस आपको निकालना है और इस कंटेनर में रख देना है। और हाँ, याद रखिएगा इस कंटेनर में सॉल्यूशन डाल के ज़रूर रखें, अदरवाइज़ आपके लेंस ख़राब हो जाएंगे। अब मैं दूसरा लेंस इस तरीके से निकाल लूँगी, तो आप देख सकते हैं कितना इजी है इनको वेयर करना, रिमूव करना। तो दोस्तों, मेरी टिप नंबर 1 है कि अगर आप जब भी कॉन्टैक्ट लेंसेस बाय कर रहे हो तो वो एक गुड ब्रांड के ही होने चाहिए। आपको सस्ते वाले कॉन्टैक्ट लेंसेस बिल्कुल भी नहीं लेने चाहिए, क्योंकि उससे आपकी आईज़ को हार्म हो सकता है, आपकी आईज़ ख़राब हो सकती हैं। तो इसीलिए आप एक गुड ब्रांड के ही कॉन्टैक्ट लेंसेज लीजिए। अगर आप बिगिनर हैं तो आप एक चीप प्राइस का कोई नॉर्मल ब्रांड का आप कॉन्टैक्ट लेंस ले सकते हो, उसको ट्राई कीजिए। अगर आप जब उसको वेयर करना सीख जाएँ तब आप एक अच्छी गुड क्वालिटी का, गुड ब्रांड का आप कॉन्टैक्ट लेंसेज बाय कर सकते हैं। करूंगी अपनी टिप नंबर 2। जी गाइस, टिप नंबर 2 ये है, जब भी आप कॉन्टैक्ट लेंसेज वेयर कर रहे हो तो आपके जो हैंड के नेल हैं वो हमेशा कटे होने चाहिए। जैसे कि मेरे नेल कट हैं, तो आपके नेल कटे हुए होने चाहिए। अदरवाइज जब भी आप, अगर आप बिगनर हो और आप लेंसेज यूज़ कर रहे हो और आपके जब नेल बड़े हैं तो हो सकता है आपकी आईज़ में कहीं लग सकते हैं, या आपके लेंसेज डैमेज हो सकते हैं, कट सकते हैं, फट सकते हैं। तो इसीलिए हमेशा अपने नेल्स को कट करके रखिएगा। जब मैं शेयर करूँगी अपनी टिप नंबर 3, जो कि है, अगर आपके कॉन्टैक्ट लेंसेज न्यू हैं तो आप उनको डायरेक्ट उसी तरह से वेयर कर सकते हो, और अगर आपके कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज़ किए हुए हैं तो आपको करना क्या है, आपको केस में से बाहर निकालना
निकालना है, अपने पाम पे उसको रखना है और जो सॉल्यूशन आता है उससे उसको अच्छे से क्लीन करना है, फिर उसके बाद ही आप उनको वेयर कर सकते हो। नंबर 4 है वो है ये कि आप जब भी लेंसेज यूज कर रहे हो तो आपको आई मेकअप नहीं करना चाहिए, आप विदाउट मेकअप ही लेंसेज यूज कीजिए और लेंस यूज करने के बाद ही आप मेकअप आई मेकअप कर सकते हैं। टिप नंबर 5 गाइस, तो टिप नंबर 5 ये है कि आप जब भी लेंस यूज कर रहे हो तो उसको एक्सपायरी डेट देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और जो उसमें सॉल्यूशन भी यूज कर रहे हो उसकी भी एक्सपायरी डेट देखिएगा और तभी उनको वियर कीजिएगा। एक्सपायरी डेट के बिल्कुल भी आप यूज नहीं कीजिएगा, अदरवाइज आपके आंखों में इरिटेशन हो सकती है और आपको आईज को नुकसान भी हो सकता है। फ्रेंड्स, टिप नंबर 6 ये है कि आप जो भी लेंसेज यूज़ कर चुके हो और जो लेंसेज आपके केस में रखे हुए लेंस केस में रखे हुए हैं तो उनका जो सॉल्यूशन होता है वो आपको 4 से 5 दिन में एक बार चेंज ज़रूर करना चाहिए, अदरवाइज आपके लेंस खराब हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा जो एक्सपीरियंस है इनको लेंसेज को वेयर करने के बाद, तो मैं तो बहुत ही हैप्पी हूँ क्योंकि मुझे बहुत ही पसंद आई ये लेंसेज। आप देख सकते हो मेरी आई कितनी प्यारी लग रही है, तो मुझे तो काफ़ी पसंद आया। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप भी इन लेंसेज को यूज़ कर सकते हो, बस थोड़े से ये आपको ध्यान रखने वाली जो बातें हैं जो कि मैं बता चुकी हूँ आपको, उन बातों को ध्यान रखते हुए आप इनको वेयर कर सकते हो अच्छे से। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी वीडियो, आई होप आपके लिए ये वीडियो रही होगी हेल्पफुल। अगर हेल्पफुल रही हो तो मेक श्योर मेरे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिएगा लाइक और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। अब मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।